हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए दोस्तों, कल के सीरीज़ का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, आज उसके आगे से हम लोग करेंगे। फ्रेंड आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दिया है, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी के लिए कौन सा रूप प्रसिद्ध है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आईपना, ऑप्शन नंबर बी है अल्पना, ऑप्शन नंबर सी है रंगोली, ऑप्शन नंबर डी है कुल्लव। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पना। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए फ्रेंड, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो फ्रेंड देखिए, जो क्वेश्चन है, यानी कि फ्रेंड एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसका आंसर, राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी है कांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी है कालीघाट। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीघाट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 24 का है, राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो फ्रेंड जो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी है उसकी दस्तकारी कहाँ से उद्भव हुआ, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है एशिया, ऑप्शन नंबर सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है सिंध। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एशिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, सॉरी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए, निम्नलिखित गुफा में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। तो फ्रेंड जो इसमें जो गुफा दिया है फ्रेंड, तो आपको बताना है कि इस गुफाओं में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी है एलोरा, ऑप्शन नंबर सी है अजंता, ऑप्शन नंबर डी है चित्तनवासर। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलोरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड आपको बताना है, अजंता का जो चित्रकारी का विषय वस्तु था वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन नंबर डी है शैव धर्म। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड जो गुरु गोविंद जी थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। देखिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1599, ऑप्शन नंबर बी है 1699, ऑप्शन नंबर सी है 1707, ऑप्शन नंबर डी है 1657। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1699। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो फ्रेंड जो निम्नलिखित चार वेद हैं इसमें आपको बताना है कि किस वेद में वशीकरण और जादुई माया का वर्णन है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी है सामवेद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, जीपीटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड जो जीपीटक है वो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का, तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैनियों से, ऑप्शन नंबर बी है बौद्धों से, ऑप्शन नंबर सी है सिखों से, ऑप्शन नंबर डी है हिंदुओं से। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी बौद्ध से। ठीक है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, सिखों के धार्मिक स्थल में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो फ्रेंड आपको बताना है, जो सिख का धार्मिक स्थल है इसमें से कौन सा एक स्थल है जो कि भारत में नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ननकाना साहिब, ऑप्शन नंबर बी है नांदेड़, ऑप्शन नंबर सी है पोंडा साहिब, ऑप्शन नंबर डी है केसगढ़ साहिब। ठीक है, तो जो फ्रेंड इसमें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ननकाना साहिब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों से कौन सी धारणा एक जैसी है। तो फ्रेंड बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है, तो फ्रेंड आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कर्मवाद का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है आत्मा का अनश्वरता, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन नंबर डी है कठोर तप वैराग्य। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन यहाँ पे है और इसका ऑप्शन जो है नीचे मिलेगा आपको, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है। तो फ्रेंड क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी है हिंसा, ऑप्शन नंबर सी है त्रिरत्न, ऑप्शन नंबर डी है सत्य। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहिंसा। ठीक है फ्रेंड, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद जी, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था आपको ये बताना है। देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है 670 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 595 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 622। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 570 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो अनेकांतवाद है निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है। देखिए फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध मत, ऑप्शन नंबर बी है जैन मत, ऑप्शन नंबर सी है सिख मत, ऑप्शन नंबर डी है वैष्णव मत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन मत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 35 का है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो फ्रेंड आपको बताना जो तृतीय बौद्ध संगति थे या तृतीय बौद्ध सभा थी वो किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड जो तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी फ्रेंड पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड जो पुष्टि मार्ग था उसके दर्शन की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर ए है चैतन्य, ऑप्शन नंबर बी है नानक, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बताना है ये जो परिभाषित है ये किसने किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जैनियों में, ऑप्शन नंबर बी है बौद्धों में, ऑप्शन नंबर सी है आजीविकाओं में, ऑप्शन नंबर डी है मीमांसा में। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजीविकों में, आजीविकों ने, सॉरी फ्रेंड आजीविकों ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो 38 का है उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अड्यार, ऑप्शन नंबर बी है तंजावुर, ऑप्शन नंबर सी है मामल्लपुरम, ऑप्शन नंबर डी है उडीपी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा तंजावुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड, रासलीला या ओसंग, लाई, हरीबा आदि त्यौहार किससे संबंधित है। तो फ्रेंड आपको ये बताना है जो रासलीला या ओसंग, लाई, हरीबा आदि जो त्यौहार है वो किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं, असमी लोगों के, करबी लोगों के, मणिपुरी लोगों के, बोडो लोगों के। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, मणिपुरी लोगों के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो फ्रेंड आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है, ठीक है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिरसा, ऑप्शन नंबर बी है पानीपत, ऑप्शन नंबर सी है फरीदाबाद, ऑप्शन डी है रोहतक। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए है होली, ऑप्शन नंबर बी है दीपावली, ऑप्शन नंबर सी है नागपंचमी, ऑप्शन नंबर डी है दशहरा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीपावली, ठीक है फ्रेंड। ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें फ्रेंड, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।